भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना क्या भविष्य में बंद की जाएगी, इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। विधानसभा में भी राज्यपाल के अभिभाषण से लाडली बहना योजना, धान खरीदी जैसे मुद्दे गायब रहे तो कांग्रेस का इस पर सवाल उठाना लाजमी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से लाडली बहना और धान खरीदी जैसे मुद्दे गायब हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार अपने संकल्प पत्र से दूर जा रही है, धान खरीदी से दूर जा रही है। लाडली बहना की बात करें तो मामा के साथ लाडली बहना को भी सरकार भूल गई। इन सभी मुद्दों को हम सदन में रखेंगे। कल भी कहा, आज भी कहा कि जो भाजपा का संकल्प पत्र था, संकल्प पत्र से भाजपा दूर जा रही है, धान खरीदी को लेके दूर हो रही है, लाडली बहना तो मामा के साथ लाडली बहनों को भूल गए। इस प्रकार की जो है उन बातों को लेके आज हम सदन में रखेंगे। विधायक कांग्रेस ने जब भाजपा पर लाडली बहना को लेकर सवाल उठाए तो वरिष्ठ विधायक प्रहलाद पटेल ने कहा, जो लोग विकास और विकास के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते वो ऐसी टिप्पणी करते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। जो लोग विकास को और विकास के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते वो ऐसी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का उनको भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका उनको मिलेगा। और आज धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पेश कर रही है और सौभाग्य से शायद मैं भी अपनी बात रखूंगा। मुझे लगता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महामहिम का अभिभाषण आपके हाथ में भी पहुंचा होगा। मैं फिर वही दोहराता हूँ, जो विकास को नहीं पचा पाते वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास विरासत के साथ आम गरीब के लिए है, ये सच्चाई है। सच्चाई को अभी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा उनका घटते ही जाना है, ये बात मानते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।